आज जिस तरह से गुलबर्गा रिंग रोड एसीटी कॉलेज के सामने जो अफसोसनाक हादसा हुआ है, जिसमें नौजवान की मौत हुई, ये रिंग रोड जो करके पेट्रोल पंप से लेकर हुमनाबाद सर्कल तक जिस तरह से खराब हालात है, उस वजह से लगातार यहाँ पिछले कई सालों से एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें कई नौजवान, कई बुजुर्ग, कई खुवान यहाँ पर अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बार 20 साल से कई लगातार एहतजाज भी किए गए, उसके बाद ये मसला जो हल नहीं हो। आज जो यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, इसमें तमाम यहाँ पर एरिया के नौजवान और लीडर तमाम लोग मिलकर यहाँ पर रास्ता जाम करके यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। क्या इनकी नाराजगी है, तमाम चीजें हम जानेंगे। किस तरह से यहाँ पर हालात पेश आ रहे हैं, किस तरह से आज पहले भी कई एक्सीडेंट देखे थे, लगातार रोड चौड़े दिन यहाँ पर बहुत बड़ी है, उसके बाद भी एक्शन नहीं हो रहा, क्या बताओ? अफसोस हो रहा है, ये बार बार एहतजाज कर हर बार आते हैं, एक आश्वासन देते हैं, जाते हैं, जान की कोई कीमत ही नहीं है ऐसा दिख रहा है। हमारे जितने एमएलए और रिसेंटली जो एमपी बने, ऐसा लग रहा है हमारे को इनको कोई दुकान की ओपनिंग के लिए या कोई वीआईपी के घरों की शादियों के लिए बनाया गया। लोग आज सुबह में एक्सीडेंट हुआ है, अब तक एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव आके अब तक घर वालों को नहीं मिला। उसके गरीब बच्चे, अब जो 3 बच्चे हैं, उनका पुरसेहाल कौन है, इसके बारे में जवाबदेही कौन है? और हर बार, हर 1-8-10 दिन नहीं जाता, ये जो खरगे पेट्रोल पंप से लेकर हुमनाबाद का जो रिंग रोड है, ये मौत का कुआं हो गया है। रिंग रोड नहीं है, मौत का कुआं हो गया है। हर बार एक्सीडेंट होता है। अभी शाम में 5 बजे मनूर हॉस्पिटल के पास और एक एक्सीडेंट हुआ है, रवि नाम का शख्स, उसका एक्सीडेंट हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है बच्चा। जो एक्सीडेंट हुआ है, जनाब अतीक साहब का एक मैकेनिक थे, उनके मामू हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ, क्या हालात फैमिली के अंदर चल रही है, तमाम चीज़ें हम बात करेंगे। कि आप बताइए किस तरह से ये एक्सीडेंट पेश आया, उसके बाद आप क्या मुतालिबा करेंगे इन चीज़ों का? क्या नहीं, मेरे बच्चे के लिए क्या, हमें इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं। सुबह जा रहे थे उन्होंने काम पे, हादसा ऐसा हो गया, अभी क्या बोलने का, गाड़ी वाले के इसमें आगे क्या पूरा सर कुचल गया, एक आंखी बच गई, एक पूरा ये सब पूरा उन्होंने टमटम के मैकेनिक है। उन्होंने सुबह 10 बजे घर से निकले, उन्होंने तो क्या एक 10 मिनट में अभी मत खाना खा रहा था, तो क्या मालूम एक 15-20 मिनट के बाद फोन आया मेरे को, वो भी मेरे दोस्त देखे वहाँ पे, ऐसा हो गया कि शनाख्त तक नहीं है। बाद में गिरा एक्सीडेंट किसका होगा, उन्होंने भी आम खास जा करके आम पैकेट बटवा निकल के अंदर आईडी प्रूफ देखे तो ड्राइविंग लाइसेंस था उनका, वो नाम देखे तो क्या मालूम अरे बशीर भाई का भांजा है बोल करके आम मेरे को इमीडिएट फोन कर सौदागर के पास है बोलकर बोले, वहाँ पे गए तो क्या मालूम गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए पोस्टमार्टम के लिए, बोले उस टाइम पे क्या हालत बीतेंगे। और उसमें से 3 बच्चे हैं, उसको एक 9 साल का बच्चा है, एक जुड़वा क्या मालूम 6 साल के बच्चे हैं, 5.5-6 साल के बच्चे। अभी क्या है, रोज सुबह उठ के क्या अपना काम भला अपना घर भला बोलकर रहता था, अब दरमियान में अब उसके जिम्मेदार कौन है बताए, अब उसका घर का क्या होगा, मेरा भांजा चलेगा, ऐसा अगर दूसरे का भी अगर हो गया तो क्या उनका भी घर तबाह हो जाएगा। इस बार भी फिर से एहतजाज करने की नौबत आई है, क्या अफेक्ट पड़ेगा और क्या मैसेज इस बार आप एडमिनिस्ट्रेशन को और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को देना चाहेंगे? सीसीटीवी कैमरे में आप देखेंगे तो जो रोड जो सही इम्बैलेंस नहीं रहने की वजह से, बैलेंस नहीं रहने की वजह से, बैलेंस आउट होने की वजह से ट्रक के अंदर आ गए नो, तो ये मर्डर है, ये डेथ नहीं है, ये मर्डर है। ये ऐसा लग रहा है यहाँ पर सिर्फ हमारे को मरने के लिए छोड़ा गया है खरगे पेट्रोल पंप से, पूरा नॉर्थ का जो एरिया है ये पूरा एरिया को टोटली नेग्लिजेंसी, MLA मोहतरमा कनीस फातिमा की नेग्लिजेंसी, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर की नेग्लिजेंसी, MP की नेग्लिजेंसी, NHAI की नेग्लिजेंसी, कॉरपोरेशन की नेग्लिजेंसी, टोटल नेग्लिजेंसी है। हम लगातार मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम दिए, यहाँ पर प्रोटेस्ट भी करे, आप भी गवाह है उसके, टीपू चौक पे 1000 प्रोटेस्ट हुए हमारे, कई लोग यहाँ पर जाने गई कई लोगों के एक्सीडेंट की वजह से, लेकिन कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ। हमारे टैक्सेस से, अवाम के टैक्सेस से इनकी सैलरी पे होती है, इनकी ओवर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये पब्लिक को अगर कोई नुकसान पहुँचता है तो इमीडिएटली आए। यहाँ पर नालायक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और नालायक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ऑफिसर जो काम कर रहे हैं उनकी नेग्लिजेंसी से लास्ट 10-15 साल से कई इंसिडेंट हुए, कई डेथ हुए, तो जरी सी भी शर्म अगर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में है, ऑफिशियल सेक्शन में है, NHAI में है, और खासकर ये जो दावतें खाते ओपनिंग करते जो फिरते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अगर उनको जरी सी भी शर्म आए तो ऐसे हालात को मद्देनजर रखते हुए पूरे इलेक्टेड गुलबर्गे के रिप्रेजेंटेटिव एक दिन रोड बंद कर नेशनल हाईवे प्रेशर डालकर सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेशर डालकर ये सर्विस रोड बनाकर देना है। ठीक है, जिस तरह से अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं टीपू सुल्तान चौक रिंग रोड पर करके तमाम यहाँ पर लोग नाराजगी
पिछले कई सालों से यहाँ पर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कई लोग अपनी जान गंवा दिए हैं और आज एक नौजवान की यहाँ पर मौत हुई है, और आगे इस तरह के फिर इंसिडेंट ना हो इसलिए लोगों का मुतालिबा है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर जल्द से जल्द इस रोल को, रोड का जो यहाँ पर मसला है उसको क्लियर कर रिंग रोड के जो यहाँ पर जो हालत खराब है इसको यहाँ पर ठीक किया जाए, और साथ ही साथ सर्विस रोड का जो काम यहाँ पर पेंडिंग है होनाबाद सर्कल से खरगे पेट्रोल पंप तक उसको भी जो यहाँ पर करने की जल्द से जल्द यहाँ पर मुतालिबा किया जा रहा है।